नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लीगल आयुर्वेदा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज आपको इस वीडियो पर धतूरा के फायदे के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो लोग धतूरा को विषैले घटक के रूप में जानते हैं, लेकिन फिर भी धतूरा के फायदे होते हैं। फायदे जानने के लिए बने रहे दोस्तों वीडियो पर, आपको धतूरा से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारत में धतूरा का उपयोग विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। हालांकि धतूरा का आध्यात्मिक महत्व भी होता है। इसे शिव जी की पूजा में उपयोग किया जाता है। धतूरा औषधि गुणों से भरपूर कई रोगों के इलाज में उपयोग किया जाता है। धतूरा का फूल दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है और इसके फल गोलाकार कांटेदार होता है। दोस्तों धतूरा को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मदन, शिवप्रिय, महामोही, कृष्ण धतूरा आदि। दोस्तों श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए धतूरा के लाभ होते हैं। इस समस्या के उपाय में धतूरा का उपयोग गांजा के समान धूम्रपान के रूप में किया जाता है। धतूरा में एंटी स्पास्मोडिक प्रभाव होते हैं, जिसके कारण यह अस्थमा के उपचार में प्रभावी होता है। धतूरा के उपयोग करने पर यह श्वसन पथ को शांत करने और उन्हें बंद होने और खांसी आने से रोकता है। दोस्तों धतूरा का प्रमुख उपयोग मूड को सुधारने और तनाव को कम करने में प्रभावी होता है। धतूरा का सेवन करने से शरीर में ऐसे हार्मोनों को उत्तेजित करने में मदद मिलती है, जो तनाव को कम करने और मन को शांत करने में सहायक होते हैं। जो लोग नियमित रूप से तनाव से ग्रस्त हैं, उनके लिए शरीर में हार्मोन का निर्माण खतरनाक हो सकता है। धतूरा की छोटी मात्रा में धूम्रपान पारंपरिक रूप से मूड में सुधार और अवसाद के लक्षणों से राहत के लिए किया जाता है। दोस्तों आयुर्वेद में बुखार के लक्षणों को कम करने के लिए धतूरा के फल का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धतूरा के औषधीय गुण बुखार के लक्षणों को कम कर सकते हैं। परंपरागत रूप से मलेरिया के प्रभाव को कम करने में उपयोग किया जाता है। मलेरिया का उपचार करने के लिए आप धतूरे के फल को आग में जलाएं और इसके बाद इसकी बहुत ही कम मात्रा में सेवन करें। चूँकि धतूरा एक विषैला फल है, इसलिए इसका सेवन करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या आयुर्वेद जानकार से सलाह लेकर ही इसका सेवन करें, आपको लाभ होगा। दोस्तों शरीर और मन को शांत करने के लिए धतूरा बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। शरीर और मन को शांत करके यह हृदय प्रणाली को आराम दिलाता है। धतूरा उन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद होता है जो दिल की अनियंत्रित धड़कन से ग्रसित हैं। जिन लोगों को हृदय की गति अचानक तेज हो जाती है और अचानक धीमी हो जाती है, उनके लिए यह एक प्रभावी औषधि मानी जाती है। इसके लिए आप धतूरे के बीज का सेवन करें। दोस्तों प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए पारंपरिक रूप से धतूरा के बीजों का उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। पारंपरिक चिकित्सा में धतूरा के सबसे लोकप्रिय उपयोगों में से एक यौन ऊर्जा, कामेच्छा और प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देना है। इसके लिए आप धतूरा का उपयोग धूम्रपान के रूप में करें, आपको इससे भरपूर लाभ मिलेगा। आप इसका सेवन आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करें, क्योंकि धतूरा विषैला होता है। ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से परिणाम दूसरा हो सकता है। यदि आप झड़ते बालों से परेशान हैं तो धतूरा के बीज का तेल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास धतूरा के बीज का तेल उपलब्ध नहीं है तो सबसे अच्छा है कि धतूरे के बीज को पीसकर पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर को पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और अपने सिर पर लगाएं। इस मिश्रण को बालों में लगाने से यह बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और नए बाल को उगने में मदद करता है। दोस्तों धतूरा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देती है। आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए धतूरा का उपयोग करें। जो लोग अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं, वे धतूरा का उपयोग कर सकते हैं। धतूरा में मौजूद सामक गुण अच्छी नींद लेने में सहायक होते हैं। यदि आपको पर्याप्त नींद लेने में समस्या हो रही है तो आप धतूरा का सेवन करें, आपको इससे भरपूर लाभ मिलेगा। दोस्तों धतूरा एक जहरीली पौधा है, आप इसका सेवन चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करें, अन्यथा यह हानिकारक हो सकता है। दोस्तों इसी प्रकार आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।